जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको दोबारा मैं अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ, उस्मान खालिद के नाम से जो चैनल हमारा चल रहा है। तो इसमें जिस तरह आपके आपको पता है कि हमारी एक प्लेलिस्ट बन रही है पावर पॉइंट के हवाले से, और इसका ये थर्ड पार्ट है एनिमेशन अफेक्ट्स के उनवान से। तो आज हम मज़ीद एडवांस एनिमेशन की जो कमांड्स हैं उनका इस्तेमाल देखेंगे। तो आपने बड़े गौर से बड़ी तवज्जो के साथ देखना है, ठीक है। इसमें हम देखें तो ये मैंने एक टाइटल स्लाइड पहले से ले ली हुई है। आपको पता है कि किस तरह से हम स्लाइड्स लेते हैं, आप होम टैब में जाएंगे और उसके अंदर स्लाइड्स का ग्रुप है और उसके अंदर ये 9 किस्म की स्लाइड्स हैं, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने प्रैक्टिकल के लिए ये टाइटल स्लाइड का जो है वो इंतखाब किया। तो ये आपके सामने टाइटल स्लाइड जो है वो शो हो रही है। तो इसमें ये टाइटल बाक्स है और ये टाइटल टेक्स्ट बाक्स है, ठीक है जी। तो इसमें मैंने ये टेक्स्ट भी लिख ली है। तो अब हम जो मज़ीद एनिमेशन इफेक्ट्स के वाले से कमांड्स हैं उनको हम देखेंगे। तो इसमें ये देखें, ये एनिमेशन इफेक्ट्स जो टाइटल बाक्स है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इसमें हम कोई ना कोई एनिमेशन इफेक्ट्स जो है ना वो ऐड करेंगे। तो इसमें हम जिस तरह के पहले किया था हमने फ्लाइन का, तो ये फ्लोट का कर लेते हैं जी इस पर। तो इसी तरह ये जो टाइटल सब टाइटल है इस पर भी हम कोई और अच्छा सा कर लेते हैं जी, श्रिंक वाला। तो ये दो एनिमेशन इफेक्ट्स हमने जो है ना वो डिफरेंट टाइटल टेक्स्ट बाक्स पे जो है वो अप्लाई किए हैं। तो अब हम आते हैं जो हमने एडवांस एनिमेशंस के हवाले से बात करनी थी। तो अच्छा ये देखें, इसमें एक चीज़ ये है कि जब हमने इस पर क्लिक किया है तो इसका प्रीव्यू देखें, ये क्या है, फ्लोट इन है। तो इसका अगर हम देखें तो ये क्या है, ग्रोन एंड दिए। तो हम चाहते हैं कि दोनों पे सेम हो जाए, दोनों पे अगर एक से ज़्यादा आपने एनिमेशन इफेक्ट्स ऐड किए हुए हैं तो आप चाहते हो कि सब पे एक जैसे हो जाएं। तो उसके लिए अगर हम देखें, ये आपके सामने एनिमेशन पेंटर है, क्या है, आपने ये पेंटर की कमांड वर्ड में भी पढ़ी और एक्सेल में भी करें पढ़ी है। तो यह क्या करती है, ये मेकअप को कॉपी करती है, क्या करती है, तो ये एकदम ये सारा मेकअप दूसरे पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें, इस पर मैंने क्लिक किया और एनिमेशन पेंटर पे क्लिक किया, इस पर क्लिक करूँगा। अब ये देखें दोनों की जो है वो इफेक्ट्स सेम हो गए हैं। देखने के लिए आप देखें, वो भी ऐसे ज़ाहिर हुआ है और वो भी ऐसे ही ज़ाहिर हुआ है। तो ये फ़ायदा है जी इसका, एनिमेशन इफेक्ट्स का, ठीक है। ओके जी, तो अब हम आते हैं, ये देखें नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट ग्रुप पे देखें तो ये टाइमिंग का ग्रुप है, किसका है, टाइमिंग का। तो इस पे देखें, इसका जो पहला ऑप्शन है उसको हम देखते हैं, स्टार्ट। तो ये किस पे स्टार्ट हो रहा है, ऑन क्लिक पे स्टार्ट हो रहा है, किस पे, ऑन क्लिक पे स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें मज़ीद ऑप्शन भी हैं कि विद प्रीवियस, कि जब पिछला चले तब चलो, आफ्टर प्रीवियस, यहाँ पहला चल जाए बाद में आपने चलना है। तो ये दो ऑप्शन आपने देख ली हैं। अब आता है ड्यूरेशन, क्या है जी, ये इसको चलने में ना 1 सेकंड लगता है। तो आप इसके सेंगर्स को बढ़ा सकते हैं, ये देखें, या हम इसको 3 कर लेते हैं, ये देखें। अब हम इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये देखें, आपको आहिस्ता आहिस्ता देखें वो शो हो रहा है, ऐसा ही है ना। तो इस तरह आप कर सकते हैं। तो इसी तरह दूसरे का भी हम इसी का यही कर लेते हैं जी, 3 वाला, ये वाला, ओके जी। अब हम प्रीव्यू करते हैं तो दोनों 3 सेकंड चलेंगे, ये देखें, ये देखें, इसको भी 3 सेकंड लगे हैं और इसको भी 3 सेकंड लगे हैं। अच्छा, इसके बाद ये लिखा हुआ डिले, कि दोनों के दरमियान डिले होना चाहिए। अभी तो कोई डिले नहीं था ना, अब तो सिर्फ चलने में डिले था ना, लेकिन दूसरा, जब दूसरा ज़ाहिर होता डिले नहीं था। तो ये डिले भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इस पर हम जब क्लिक करते हैं, ये देखें, हम इसका 1 सेकंड का कम से कम डिले रखते हैं। अब आपने फ़र्क देखना है, ये देखें जी, देखें जी, ये चला है फिर कुछ डिले आया है, नहीं ज़ाहिर हुआ डिले, हम इसका डिले बढ़ा लेते हैं जी। ये देखिए, इसका हम, इसका भी हम 3 कर लेते हैं जी, और इसको प्रीव्यू करते हैं हम। अच्छा, ये देखें जी, डिले किस में आ रहा है, शुरू पहले में आ रहा है, प्रीवियस में। तो हमने इसका ख़त्म करना है, हाँ इसका लगा देना है जी डिले 3 सेकंड। देखिए ये फौरन जाहिर हो गया, और ये देखें अभी 3 सेकंड वेट हुआ है, इसके बाद ये देखें वो दूसरा डिले आपके सामने शो हो रहा है। तो इस तरह आप कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट, देखें तो ये इधर ऑन क्लिक पे अगर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें विद प्रीवियस, क्या है, पहले तो डिले है ना,
अब विद प्रीवियस के साथ क्या होगा, ये देखिए इसको हम अप्लाई करते हैं, ये देखिए इकट्ठे जाहिर हो रहे हैं ना, ये देखिए ये है इसका डिले, हो भी तो फिर भी आप कर सकते हो। तो इसी तरह ये देखें, इस पर क्लिक करते हैं आफ्टर प्रीवियस, टाइमिंग सेम है ना, तो आफ्टर प्रीवियस यानी कि पहला हो जाए फिर बाद में, तो विद प्रीवियस पहला हो जाए बाद में हो जाए फिर पहला, तो इस तरह ये दो डिफरेंट आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, इसके बाद है ये देखें, हम कंट्रोल डैट से ज़रा वापस आते हैं, ये वाला देखें, ये पहला है और ये दूसरा, ये नंबर लगे हुए हैं टाइटल पे, पहले ये चलेगा और फिर ये चलेगा। तो आप जब टाइमिंग वाले ग्रुप में आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है रीऑर्डर एनिमेशन, क्या लिखा हुआ है, आप चाहते हो कि इसको एक नंबर मिल जाए और इसको दो नंबर मिल जाए, तो ये देखें मूव अर्लियर, इस पर हमारा एक्टिव है, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें पहला ये चला गया और दूसरा ये चला गया, अब पहले ये चलेगा और फिर ये चलेगा। तो हम इसका जो है वो डिले ख़त्म कर लेते हैं, ज़ीरो कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद हम इसको अप्लाई करके देखते हैं जी प्रीव्यू, ठीक है जी, पहले वो एनिमेशन इफेक्ट्स वाला चला है और उसके बाद ये एडवांस वाला चला है। तो इस तरह आप इसका ऑर्डर्स भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा पार्ट 3, जिसमें हमने जो एनिमेशन अफेक्ट्स ऑन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स, उसका जो पार्ट 3 है उसमें हमने मज़ीद जो कमांड्स सीखी हैं, ट्रिगर की कमांड्स हमने सीखी हैं, हमने एनिमेशन पेंटर की कमांड्स हमने सीखी हैं, और हमने टाइमिंग के हवाले से जो मुख्तलिफ कमांड्स हैं, ड्यूरेशन, डिले, ऑन क्लिक, विद प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, और एनिमेशन जो हमने इफेक्ट्स अप्लाई किए हुए हैं उनको रीऑर्डर करना सीखा है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी होंगी। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर।